तो देने का नाम होता छीनने का नहीं। तुम बदल तो नहीं जाओगे? नहीं यानी इस बार नहीं। वो तुमने अदनान से बात की है जो काया ही पलट गई? मैं भला अदनान से कैसे बात करूंगी? मेरे पास उसका नंबर कहां से आया? इतनी आसानी से तुम्हारी खुशियां पूरी नहीं होने दूंगा यानी। तुम अगर मेरी ना हो सकी तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ये तो बशीर है, ये कोमल के पास। कोमल के पास क्या करने आया? ये शौकत का? मैंने कहा है ना, शौकत को इस मामले से दूर ही रखो। दूरी रखो, दूरी रखो, क्या रट लगाई हुई है तूने? मैं तुझसे पूछूं शौकत का है? ये क्या हो गया? हैनी कहां होगी इस वक्त? अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। हेलो जी, सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? हाँ मैं भी ठीक हूँ। जिसपी साहब, आपसे एक ज़रूरी काम पड़ गया। हाँ नहीं, काम कुछ पर्सनल है। हाँ एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, उसके पीछे कुछ लोग पड़ गए। एक्चुअली कुछ लोग नहीं, एक ही लड़का है जो उसे बार बार तंग कर रहा है। हाँ जी, हाँ नहीं, आदमी मैं पहचान लूंगा। हाँ मैं मिला हूँ उससे। हाँ ऐसे ही आवारा किस्म का लड़का है, कभी गली के इस कोने में होता, कभी हाँ नहीं नहीं वो उसी मोहल्ले में रहता जी। हाँ जी, मैं शाम को चक्कर लगाता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शौकत के बच्चे, अब देखता हूँ तुझे, मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। जिंदगी में अगर कोई नेकी की है तो उसके सदके मेरी दुआ कबूल फरमा। मेरी बात हुई एसपी साहब से, उन्होंने हौसला दिलाया कि वो ढूंढ लेंगे यानी को। कैसे हौसला करूं बेटा, मेरी बच्ची न जाने कहां है, किस हाल में। मेरी माँ ना तो तेरी बेटी भाग गई है। क्या बकवास कर रही है?
बताओ एनी कहाँ? वो मेरी बेटी है, मेरा खून है, मैं उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता। बता कहाँ है वो? बताती हूँ। वो ना, वो शौकत ने ना, वो एनी को अगवा किया है। ये गिरा इतनी आसानी से खुलने वाली नहीं है। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? एक लड़का एक लड़की, घर से इतनी दूर क्यों आएंगे भला? जाने दो मुझे, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है तो बना लेते। शौकत मेरी बात मान लो, वरना 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 क्या क्या करोगी तुम? वरना मैं शोर मचाऊंगी। अच्छा चलो, ये भी ख्वाहिश पूरी कर लो, मचाओ शोर। मचाओ, कोई है? बचाओ मुझे, कोई है? बचाओ मुझे। हो गया तुम्हारा शौक पूरा? क्या चाहते हो तुम? अब आई ना तुम लाइन पर, तुम्हें चाहता हूं, और क्या चाहना है? लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? किस चीज की कमी है मेरे अंदर? तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। खुदा के लिए जाने दो मुझे, मेरी माँ और मेरी बेटी परेशान हो रही होगी, जाने दो। चले जाते हैं, इतने में क्या जल रही है? ऐसा वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। तुम भी तन्हा, मैं भी तन्हा, ये जगह भी तन्हा। ये कहीं बताना शौकत। क्यों, कौन रोकेगा मुझे? तुम या तुम्हारा वो होने वाला कमेंट, कौन रोकेगा? आओ मुझे, कौन रोकेगा मुझे? छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे। अल्लाह, तू जानता है कि मेरे दिल में क्या है। या अल्लाह, ऐनी जहां कहीं भी है उसे अपनी हिफाजत में रखना। या अल्लाह, आज मैं अपना दामन फैला के तुझसे ऐनी के लिए और वकार के लिए दुआ मांगा। उन दोनों को हमेशा सलामत रखना एक दूसरे के साथ। या अल्लाह, मैंने जिंदगी में अगर कोई नेकी की है तो उसके सदके मेरी दवा कबूल फरमा। या अल्लाह, ऐनी को अपनी हिफाजत में रख। या अमीन। आंटी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? ऐनी मिल जाएगी। मेरी बात हुई एसपी साहब से, उन्होंने हौसला दिलाया कि वो ढूंढ लेंगे ऐनी को। कैसे हौसला करूं बेटा, मेरी बच्ची न जाने कहां है, किस हाल में। ये सब जो है ना, ये शौकत का किया धरा है। खबरदार, जो किसी ने मेरे भाई का नाम लिया तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वैसे आपका भाई है कहां? अपने काम पे होगा, और कहां होगा? और कहां काम करता है? मुझे क्या पता। इसको इसलिए नहीं पता क्योंकि ये झूठ बोल रही है। इसके भाई ने धमकी दी थी कि वो ऐनी से शादी करना चाहता है।
उसकी शादी किसी और से नहीं होने देगा। तुम लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? ये सब शौकत का किया धर है। बस बहुत हो गया, अब मेरे भाई का नाम किसी ने लिया ना तो मैं जुबान खींच लूंगी। देख रहा हूँ, ये मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। मैं जितना घटिया हो जाऊं लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बेटी की इज्जत से खेले। बता शौकत कहाँ है? हाँ बशीर, क्या हो गया तुझे? तुझे मेरी बात से ज्यादा इनकी बातों पे यकीन है? ये और इसकी बेटी तो है ही झूठी। वैसे मैंने शौकत को समझा दिया था, वो भला उसके चक्रों में क्यों पड़ेगा? मेरी मान ना तो तेरी बेटी भाग गई है। क्या बकवास कर रही है? बताओ एनिका, वो मेरी बेटी है, मेरा खून है, उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता। बता कहाँ है वो? बताती हूँ। वो ना, वो शौकत ने ना वो एनी को अगवा किया है। कहाँ लेके गया? मुझे नहीं पता, कसम से मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। ऐसे नहीं बताएगी अंकल? मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ जानती है। हम खुद शौकत को ढूंढ लेंगे। मेरे ख्याल में वक्त नहीं जाया करना चाहिए, ढूंढते हैं उसके एक दो ठिकानों का। मुझे पता है, वहां देखते हैं शौकत को। दो तीन दोस्त हैं, उनसे भी पता कर लेंगे। देख तारा, रोने की जरूरत नहीं है, सारी जिंदगी मैंने तुझे दुख दिए। आज अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो तेरी बेटी को लेके आऊ, ये वादा है मेरा तुझसे। शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती तुम उसे शादी? क्यों? कॉल क्यों नहीं मिल रहा?
वकार, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ पता चला है अनी का? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला, बस हम लोग ढूंढ रहे हैं अभी तक। हम कौन? मैं अदनान और बशीर अंकल। बशीर आपके साथ है? हाँ कोमल, वो भी साथ है। After all, वो अनी के वालिद हैं। वकार, आप परेशान ना हो, एनी जरूर मिल जाएगी। शौकत का पता चला? नहीं, शौकत को भी ढूंढ रहे हैं। अगर आप अपना ख्याल रखिएगा। कोमल, एक बात कहूँ? जी कहिए। अगर मुझे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। अगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वैसे ही जाने अनजाने में मुझसे कोई ऐसी बात हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करें। अगर आप ऐसे तो ना कहें, मैं दुआ करूंगी एनी आपको जरूर मिल जाएगी। थैंक यू कोमल, थैंक यू सो मच। मेरा सर, वकार, कोई है? पानी, मत रो, तुम्हारे आंसू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसी और की अमानत की शौकत, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। किसी और के काबिल होने के लिए छोड़ू मैं नहीं तुम्हें। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार, मुझे यहां से जाने दो बस। मेरे चेहरे पे लिखा हुआ कि मैं बेवकूफ हूं। मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें यहां से जाने दूं और तुम अपने उस आशिक के साथ शादी कर लो और मैं हाथ मलता रह जाऊं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे शादी? मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, बहुत प्यार दूंगा तुम्हें, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, किसी चीज की कमी नहीं। बताओ ना, बताओ, बताओ क्या फैसला किया तुम? कि तुम मुझसे शादी करोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर जाएगी। यानी ये शौकत की हरकतें मुझे पूरी यकीन।
जान, लेकिन अगर एनी को कुछ हो गया तो, उसने कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं होगा, वो नहीं कर सकता कुछ, सिर्फ डराने के लिए हरकत की है उसने। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दो मुझे, खुद आगे ले जाओ। कोमल देख लो, आज मैं और एनी बहुत खुश हैं। यही चाहती थी ना तुम, एनी को मेरी जिंदगी में लाकर तुमने मुझे जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा दे दिया। थैंक यू। यार देखो, उधर से ना मेरा उसका एक शौकत दोस्त है, उसके पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि शौकत इधर आया कि नहीं। तो तुम लोग यहीं थोड़ी देर इंतजार करो, ठीक है? ठीक है। घबराओ नहीं, मिल जाएगी एनी, ये शौकत की हरकत है मुझे पूरा यकीन। दान, लेकिन अगर एनी को कुछ हो गया तो, उसने कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं होगा, वो नहीं कर सकता कुछ, सिर्फ डराने के लिए हरकत की है उसने। लेकिन अदनान, एनी मिल जाएगी, डोंट वरी, इंशाल्लाह। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है, जब मैं इनकार सुनता हूं मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अगर तुम इनकार करती रहोगी तो मैं तुम्हें यहां से कभी नहीं जाने दूंगा। वैसे हम यहां भी रह सकते हैं, यहां तो ना कोई आता है ना कोई यहां से जाएगा, बड़ी ऐसी खुशी रहेंगे हम। देखने में तुम्हें शादी के बाद कितनी खुशियां दूंगा, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, ऐसी खुशियां कि तुम्हें ये दुनिया जन्नत लगेगी, बिल्कुल जन्नत। तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दो मुझे, खुद आगे ले जाओ। ओ बशीर पायन, तुम इधर क्या लेने आए हो? मैं कल एनी के साथ शादी करके खुद इसे घर ले आता। तेरी इतनी हिम्मत तो मेरी से हट। चल बशीर भाई छोड़, चल इधर दे मेरी दुल्हन, चल दे। बकवास बंद कर। बशीर भाई एक बात तो बता, ये इन दोनों को साथ लाने की क्या जरूरत थी? हमारा घरेलू मामला है, बैठ के आराम से फैसला कर लेते। चल छोड़, दे मेरी होने वाली दुल्हन वापस। भाई खड़ा रहे, कदम भी आगे फड़ा तो गोली मार दूंगा। मुझे शौकत को गोली मारेगा तू? चल मार। मेरी बेटी मुझे माफ कर। नहीं मामा, आपसे अच्छा तो कोई माफ नहीं हो सकता। अंकल आप यहां से निकले, मैं संभाल लूंगा। नहीं बेटा, आज पहली बार ये गोली सही इस्तेमाल हुई है। आज मेरे कंधे गुनाह के बोझ से झुके हुए नहीं, बल्कि फखर से तने हुए। मुझे माफ कर,
आज मैं और एनी बहुत खुश हैं। यही चाहती थी ना तुम? एनी को मेरी जिंदगी में लाकर तुमने मुझे जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा दे दिया। थैंक यू सो मच कोमल। ATV, सारे रंग हमारे।